हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो सीबीएसई 12th बोर्ड का पेपर था उसका सेट 1 और क्वेश्चन पेपर कोड 56/1/1 तो उसका सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद दैट। सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन। सो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। देन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड दैट इज ड्यू टू ऑप्शन सी लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है? दैट इज ऑप्शन डी, Zn, Zn2+, Ag+, then Ag. Okay. Then for question 4, delta G is equal to E cell. So formula delta G is equal to -NF E cell. तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी जाके ये नेगेटिव होगा। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2Cl2 2HCl। तो अगर देखने में लगता है कि ऑर्डर 2 होगा बट इसका ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। देन द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आप इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन बी +3। द कंपाउंड CuSO4 NH3 5 BrCuCO BrNH3 5 दैट इज SO4। SO4 और BR इंटरचेंज हो गए यहाँ पे, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी। देन सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड एक चीज से बन सकता है, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद HCl, सो दैट इज 1, 2 and 3, सो ऑप्शन ए। देन CH3CONH2 एमाइड है, उसका NaOH के साथ रिएक्ट करा तो हम CH3NH2, that is amine, we will get. Then least basic is this one, phenyl ring, aniline. The glycosidic linkage involved in linking or the glucose unit in amylase, part of starch, that is C1C4 alpha linkage, that is option C. Then alpha-helic structure is a feature of, that is the feature of polypeptides, option C. Now assertion reason type question. तो उसमें 15th क्वेश्चन देखते हैं। NH2 ग्रुप इज ऑल्सो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इज नॉट द एक्सप्लेनेशन बट बोथ आर राइट। देन एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव्स मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये सही बात है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH3CO3 इज मोर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप, नहीं, ये गलत बात है। सो इसमें ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अपीयर्स टू बी 2 बिकॉज 2 मोलिक्यूल्स आर देयर, ये सही बात है, सो ऑप्शन ए। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, तो इसका रीजन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, तो ये भी सही बात है, सो इसका आंसर होगा ए। इस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के जो भी सारे सॉल्यूशन